आईपीएल 2023 में कई युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सिलेक्टर से लेकर फैंस सभी को अपना दीवाना किया। वहीं कई दिग्गज खिलाड़ी ऐसे थे जो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। आपको बता दें कि आईपीएल 2023 के ऑक्शन में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन पर करोड़ों रुपए की बरसात हुई, लेकिन जब मैदान में प्रदर्शन करने की बारी आए तो ये खिलाड़ी सीजन के सुपर डुपर फ्लॉप प्लेयर्स निकले। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से तीन खिलाड़ी हैं जिन पर ऑक्शन में तो धन वर्षा हुई, लेकिन जब ये खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो पूरी तरह से फुस रहे। नंबर एक, हैरी ब्रूक। सनराइजर्स हैदराबाद ने हैरी ब्रूक पर 13 करोड़ रुपए लगाते हुए उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन ये खिलाड़ी जिस तरह से पाकिस्तान को पाकिस्तान में धूल चटाकर आया, लेकिन ये बल्लेबाज भारत में आकर पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। पाकिस्तान में इस बल्लेबाज का बल्ला गरजा, लेकिन जब भारत में आईपीएल खेलने की बारी आई तो ये जनाब 9 मैचों की 9 पारियों में मात्र 163 रन ही लगा सके। आपको बता दें कि हैरी ब्रूक ने केकेआर के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी, लेकिन उसके बावजूद 8 पारियों में ये बल्लेबाज सिर्फ 63 रन ही लगा पाया और इस सीजन का फ्लॉप खिलाड़ी में शामिल हुआ। नंबर दो, कैमरून ग्रीन। मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन जितनी रकम इस खिलाड़ी पर लगाई गई उसका रिटर्न तो मुंबई को नहीं मिल पाया, क्योंकि 13 मैचों की 13 पारियों में कैमरून ग्रीन सिर्फ 281 रन बना पाए। इस दौरान उनका 40 का औसत तो दिखा, लेकिन ये गेंदबाजी में भी फ्लॉप रहे, जहां इन्होंने 6 विकेट अपने नाम किए। बल्लेबाजी में इनका औसतम दर्जा रहा, जहां 13 मैचों की 13 पारियों में बल्लेबाज ने सिर्फ 2 ही अर्धशतक ठोके। इस सूची में तीसरे स्थान पर नाम आता है सैम करन का, जो इस सीजन के ही नहीं बल्कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। आईपीएल ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने पूरी दुनिया से लड़कर इस खिलाड़ी को 18.5 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन आंकड़े 18.5 करोड़ के खिलाड़ी के तो बिल्कुल भी नहीं है। सैम करन ने 13 मैचों की 12 पारियों में 227 रन बनाए। इस दौरान बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट भी मात्र 131 का रहा। सैम करन ने एक अर्धशतक की पारी खेली, बावजूद इसके बाकी मैचों में वो फ्लॉप रहे। वहीं गेंदबाजी की बात कर ले तो इन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 9 विकेट लिए और इनका इकोनॉमी 10.11 का रहा, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब इकोनॉमी रेट है। ये बताता है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आईपीएल में खिलाड़ी नहीं चल पाए। वहीं जिन खिलाड़ियों को 20 से 50 लाख में खरीदा गया उन्होंने इस आईपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।